बैक टू माई चैनल ब्लॉग्स विद मानसी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं अपनी छत पर आई हुई हूँ ऊपर, और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि मैं आज बना रही हूँ आलू के चिप्स। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आलूओं को छील छील के रख लूँगी। काफ़ी बड़ा साइज़ का आलू है, जितना बड़ा साइज़ का आलू होगा चिप्स उतने ही अच्छे बनते हैं। छोटे साइज़ के जो आलू होते हैं उसमें चिप्स अच्छे नहीं बन पाते हैं। और मैं इनको एक एक करके छील के रख लूँगी। फिर उसके बाद साइड वाली जो ये मशीन है इसमें डिज़ाइन वाले चिप्स बनते हैं, ये रहे, और इसको मैं इस तरीके से बनाऊँगी। हाँ, आप लोगों के साथ मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि मैं आलू छील रही थी तो देखो मुझे क्या मिला। तो ये है वो चीज़, देखिए आलू बिल्कुल हार्ट शेप में है। पहले तो मेरा इसको मन नहीं करा छीलने का, उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं इसे शेयर कर लेती हूँ। बिल्कुल हार्ट शेप में, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, जैसे रेड कलर का हार्ट बना हुआ होता है, सेम वैसा ही है। हाय कर रहे हैं, हाय दीदी। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन वाले चिप्स को काट लूँगी, और इसमें इस तरीके का चिप्स आता है ये, तो ये खाने में बिल्कुल लेज जैसा लगता है। तो मैंने व्रत के चिप्स बनाऊँगी इनको। मैं यहाँ पर मैं इन चिप्सों को आराम आराम से काटूँगी ताकि हाथ में भी ना लग जाए। और चाहें तो इसको दूसरी तरफ से प्लेन भी बना सकते हैं। ये साइड में आपको पेच दिख रहा होगा ये वाला, इसको अगर हम घुमा देते हैं तो प्लेन चिप्स भी हम बना सकते हैं इनसे, और बहुत इजीली बन जाते हैं। हालांकि प्लेन चिप्स जल्दी बनते हैं और डिज़ाइन वाले में थोड़ा हाथ में लगने का डर बना रहता है, लेकिन इसको ज़्यादा जल्दी नहीं, धीरे धीरे करेंगे। मैंने बाल्टी में चिप्स को डाल लिया है और वॉश कर लिया है अच्छे से, 3 से 4 बार मैंने इसका पानी चेंज कर लिया है, तो बिल्कुल ही साफ़ है। और अभी मैंने भगोने में पानी रखा हुआ है नमक डाल के, तब वो बॉयल हो जाएगा, उसके बाद मैं इन आलूओं को या चिप्स को उसमें डाल दूँगी। ये मैंने डिज़ाइन वाले बनाए हैं कुछ चिप्स, दोनों तरह के बनाए हैं, कुछ प्लेन और कुछ डिज़ाइन वाले, दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे चिप्स हैं वो सारे बनके तैयार हो चुके हैं, और बस थोड़े से मुझे सुखाने बाकी रहे हैं, बाकी मैंने वो सारे बना दिए हैं। तो अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं इन चिप्सों को सारा एक एक अलग अलग करके सुखा दूँगी ताकि ये जल्दी सूख जाए। और शाम तक ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा क्योंकि हवा भी बहुत है और धूप भी बहुत तेज़ वाली निकली हुई है। और अभी करीबन टाइम हो रहा है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं, तो सुबह मैं जल्दी ही उठ गई थी करने के लिए। इन सारे चिप्सों को मैं एक एक करके अलग अलग कर दूँगी। तो मैं हूँ अभी अपनी किचन में, ऊपर से आने के बाद थोड़ा थक गई थी या फिर थोड़ा बहुत मैंने और काम किया, तो मैंने नीचे आके नमकीन चावल बना लिए, और बस उसको मैं लगाऊंगी और खाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मेरे नमकीन वाले चावल बनके तैयार हो गए हैं, और मटर वाले, और अब मैं इसको एंजॉय करूँगी, खाऊंगी, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पर लग चुकी है मेरी खाने की प्लेट, जो पीले वाले चावल हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 8:30 बज रहे हैं, और आज डेट है 19 मार्च। और कल शाम का व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि घर पर कोई गेस्ट आ गया था, तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो और आज है थर्सडे, तो मुझे अपने बालों में तेल लगाना है क्योंकि कल मैं हेयर वॉश करूँगी अपना, और ऊपर जाके मुझे अभी चिप्स भी सुखाने, शायद धूप निकल आई है अच्छे से, जो मैंने कल चिप्स बनाए थे उनको आज की धूप और लगानी है, तो मैं ऊपर जाके उन चिप्सों को सुखा दूँगी अच्छे से। तो मैं जा रही हूँ ऊपर। मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और इधर धूप लग रही है तो मैं अच्छे से देख नहीं पा रही हूँ। तो मैं ऊपर आ चुकी हूँ, और यहाँ पर जो चिप्स हैं वो फैला दूँगी, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी।
तो यहाँ पर मैंने इन सारे चिप्सों को फैला दिया है अच्छे से, और अभी थोड़े से ये अच्छे से सूखे भी नहीं हैं। आज की धूप लगेगी इसमें शाम तक, तो ये बढ़िया हो जाएंगे चिप्स एकदम। सो के उठा था अभी, तो वो भी मेरे साथ ऊपर आया है, तो उसको नीचे लेके जाऊंगी, दूध वगैरह दूंगी, जो भी उसको फ्रूट खाना है वो दूंगी, और बस उसके बाद मैं अपने जो भी रूटीन के काम है वो खत्म करूंगी। गुड मॉर्निंग। हाय करो। हाय। आप नीनी करके आए हो अभी अभी? हाँ, नीनी करके आया हूँ। नीनी करके आए हो? हाँ। आपको खेलना है? हाँ। खेल लो, अभी थोड़ी देर में नीचे भी चलना है अभी। तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है यूवी की मस्ती, और इसको अभी खेलना है, तो वो बॉल भी नीचे से लेकर आया है अपने खेलने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा खेल ले, और उसके बाद मैं उसको नीचे ले जाके नहलाऊंगी। आकर के मैंने चिप्स को अच्छे से सुखा दिया है, और इसके बाद मुझे नीचे जाके जो भी अपना रूटीन का काम होता है सुबह का, वो जाकर के मैं फिनिश करूँगी, और उसके बाद जो भी आगे के काम होंगे वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल का बटन है उसे प्रेस करें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय। अभी मुझे जाना है नीचे, यूवी को भी नहलाना है, खुद भी नहाना है, और घर के भी सारे काम फिनिश करने हैं।